गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. अपन नीट की लास्ट क्लास में देखा था कि वर्गीकरण में सहायक इकाइयां कौन कौन सी थी, या वर्गीकरण में कौन कौन से सहायक संसाधन थे, जैसे बायोलॉजिकल गार्डन या जूलॉजिकल और बॉटनिकल गार्डन है, हर्बेरियम है. लास्ट में देखा था अपन ने कुंजी लक्षण. तो इस वाले जो टॉपिक देखा है इसमें से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन, और फिर आगे बढ़ते हैं अपन. तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका क्वेश्चन कैसे आता है. जो अपन ने देखा था जाति क्या होती है, इसके अलावा वंश क्या है ये देखा, इसके अलावा हर्बेरियम क्या है, बॉटनिकल गार्डन क्या है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, ये सारे देखे थे. तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं. तो सबसे पहले बनता है आपका वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई. वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई. अब आपके क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, तो इसमें चार रीजन बना देगा ताकि जंतुओं का व्यवस्थित अध्ययन कर सके. फिर दे देगा ऐसे ही, दूसरा दे देगा दोनों, तीसरा दे देगा उपरोक्त सभी, ऐसे. तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसीलिए भी ताकि जंतुओं और पादपों का क्रमबद्ध अध्ययन कर पाओ, आप एक सीक्वेंस से अध्ययन कर पाओ, कहीं कंफ्यूजन ही नहीं हो, इसके लिए अपने वर्गीकरण की आवश्यकता हुई. दूसरा क्वेश्चन होता है कि जी बायोलॉजिकल कंसेप्ट या मेयर का क्या योगदान था, मेयर का क्या योगदान था. अगर पिछला लेक्चर देखा होगा ध्यान से तो आंसर आ जाएगा योगदान था. मेयर ने क्या दी थी, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जाति की जैव वैज्ञानिक परिभाषा, जाति की जैव वैज्ञानिक परिभाषा, जाति की, ये अच्छा क्वेश्चन है, जैव वैज्ञानिक परिभाषा, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जाति की जैव वैज्ञानिक परिभाषा किसने दी थी, मेयर ने. तो ये क्वेश्चन बन सकता है. इसके अलावा द्विनाम पद्धति देखी अपन ने, किसने दी थी, द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे, कैरोलस लीनियस. कैरोलस लीनियस किसके जनक थे, आपके द्विनाम पद्धति के. इसके अलावा द्विनाम पद्धति में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया, लैटिन भाषा का उपयोग किया गया. इसके अलावा द्विनाम पद्धति में अक्षरों को कैसे लिखते हैं, अगर हाथ से लिख रहे हैं तो टेढ़े लिखेंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे. पहले नाम किसका आता है, जाति का नाम आता, सॉरी वंश का नाम आता है, उसके बाद किसका नाम आता है आपका, जाति का नाम आता है. वंश का नाम बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, जाति का नाम छोटे अक्षरों से लिखा जाता है. ये क्वेश्चन आपके छोटे छोटे बनते हैं. या सिक्वेंस दे देगा, पहले वंश आएगा, सॉरी जैसे पहले जगत, फिर फाइलम, वर्ग, क्लास, ये सीक्वेंस दे देगा. एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन है आपका वर्गी की सवर्ग का सही क्रम, क्वेश्चन है आपका वर्गी की सवर्ग का, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, वर्गी की सवर्ग का सही क्रम. अब तीन चार ऑप्शन दे दें, सपोज पहला ऑप्शन है जाति, फिर गण, संग और जगत. पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है वंश, तीन ऑप्शन भी आते हैं कई बार, फिर आ गया आपका जाति, फिर आ गया आपका गण, फिर आ गया आपका जगत. तीसरा ऑप्शन है आपका जाति, वंश, गण और संघ. अब आप देख के बताओ कौन सा सही है, क्योंकि मैंने बाकायदा आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, तो मैं पूछने का भी हक रखती हूँ. तो आप लोग बताओ इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, जाति, गण, संघ और जगत. सही क्रम देखना अपन को, वंश, जाति, यहाँ पहले क्या आएगा, जाति आती है, जाति, वंश, गण और संघ. तो इसका आंसर क्या होगा आपका, तीसरे वाला. तो ये इस चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इसके अलावा हर्बेरियम क्या है, इसने, इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन क्या है, क्यू बॉटनिकल गार्डन लंदन, जो आपका सबसे फेमस गार्डन है,
क्यू बॉटनिकल गार्डन लंदन, जो सबसे क्या आपका फेमस बॉटनिकल गार्डन है। इसके अलावा कुंजी लक्षण क्या है, ये वर्गीकरण में कैसे सहायक है, ये सारे क्वेश्चन किसमें आएंगे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो आपने दो लेक्चर तीन लेक्चर और रखे उनसे रिलेटेड है। अब देखते हैं कि आपका जीव जगत का वर्गीकरण, अपन किसका देखेंगे, अपन जीव जगत का वर्गीकरण, और जिसमें देखेंगे अपन पंच जगत संकल्पना। तो अपनी हेडिंग है जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण। ये सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है और मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रही हूं और एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पेपर आता है। बस मैंने पहले भी कहा है लाइन टू लाइन आएगा, पर एनसीईआरटी बिहाइंड एनसीईआरटी जाना पड़ेगा, उस एक लाइन में बहुत कुछ चीजें होती है, वो अपन को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अपन देखते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, ताकि अपन जीवों की अच्छे से अध्ययन कर सके। तो अब इस चैप्टर में या इस लेक्चर में क्या क्या देखेंगे वो देखते हैं अपन। पहले बता देती हूँ, सबसे पहले अपन देखेंगे कि जीव जगत है क्या। इसके लिए अपन क्या करेंगे, पंच जगत संकल्पना का अध्ययन करेंगे। पंच जगत जीव क्या होते हैं, पंच जगत संकल्पना। इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। पंच जगत संकल्पना किसने दी थी, आर एच वीटेकर भी बोलते हैं, वीटेकर ने भी दी थी 1969 में। कब दी थी आपकी, 1969 में। आपको ये ध्यान रखना, आर एच वीटेकर ने दी थी फाइव किंगडम स्कीम। पंच जगत संकल्पना किसने दी थी, आर एच वीटेकर ने दी थी 1969 में दी थी। अब देखो इस चैप्टर में होगा जीव क्या होते हैं, जो श्वसन करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे आपके, जीव हो जाएंगे। अब पंच जगत संकल्पना से पहले अपन बॉटनी वाले टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगी, कई दी जगत संकल्पना दी मतलब संपूर्ण जीवों को दो जगत में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, इसके अलावा एक कई वैज्ञानिकों ने तीन जगत संकल्पना दी, मोनेरा, प्लांटी और एनिमिलिया। मतलब मोनेरा आ गया एक, एक प्लांटी आ गया और एक एनिमिलिया, ये संकल्पना भी जल्दी नहीं चली। वर्तमान में पंच जगत संकल्पना ही मान्य है, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि द्वि जगत संकल्पना में संपूर्ण जीवों को दो जगतों में बांटा, पादप और जंतु। त्रि जगत में क्या किया, मोनेरा जोड़ दिया। फिर फोर जगत भी आई, मोनेरा के दो टुकड़े कर दिए। फिर आती है आपकी पंच जगत संकल्पना, जो किसने दी थी, आर एच विटेकर ने। तो अपन इस वाले में क्या क्या देखेंगे, कितने लेक्चर होंगे वो तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे मोनेरा। फिर आता है आपका प्रोटिस्टा, मैं एक टेबल से आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। देखो एक बार इसको अपन अच्छे से देखते हैं, फिर इनके किस बेसिस पे अपन ने इनको बांटा है, इसका क्या रीजन है वो सब देखेंगे। मोनेरा, सबसे सरलतम जीवों का वर्ग क्या होता है आपका, मोनेरा। इसमें एक कोशी के जीव आएंगे, प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे। मोनेरा में क्या आएंगे आपके, एक कोशी। फिर चलते हैं प्रोटिस्टा, इसमें भी एक कोशी की आएंगे पर यूकेरियोटिक होंगे। फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। किस आधार पे बांटा है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किस आधार पे बांटा है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन मोनेरा। अब क्या क्या ऐसे लक्षण है जिसके आधार पर कह सकते हैं अपन ये प्रोटिस्टा है, ये फंजाई है, ये प्लांटी और ये क्या आपका एनिमिलिया। तो अपन इनको डिटेल देखते हैं। सबसे पहले है कोशिका का प्रकार, यहां लिख देती हूं मैं, कोशिका का प्रकार, सेल टाइप,
कोशिका का प्रकार, मतलब कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे अपन पोषण, किस विधि से ये पोषण करते हैं, हेटरोट्रॉपिक है, यूट्रोपिक है, हेट्रोजोइक है, ये सब। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन कोशिका भित्ति, किसमें उपस्थित है, किसमें एब्सेंट है कोशिका भित्ति, कि कोशिका भित्ति मोनेरा में एब्सेंट है, किससे बनी हुई है। पोषण की विधि, जनन की विधि, जनन किस विधि से करते हैं, एस सेक्सुअल या सेक्सुअल, लैंगिक या अलैंगिक। कोशिका भित्ति आ गई, कोशिका का प्रकार आ गया, और काय की संरचना भी दे सकते हो, कैसे है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय काय की संरचना। तो सबसे पहले देखते हैं मोनेरा, मोनेरा कैसे है आपके, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोकैरियोटिक का मीन होता है वो कोशिका जिसके केंद्र के चारों ओर, ये सब 11th में था। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है वो केंद्रक जिसके चारों ओर झिल्ली उपस्थित नहीं होती है, वो केंद्रक जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली उपस्थित नहीं होती है, वो कहलाती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो मोनेरा कैसे थे आपके, प्रोकैरियोटिक थे। सिंपल प्रकार के जीव थे, प्रोकैरियोटिक जीव थे। इनकी जो, इनका जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर कोशिक, सॉरी जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती। जो आपके जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, वो कोशिका में कहीं भी आपके मिल सकता है। फिर चलते हैं अपन प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा कैसे थे आपके, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है न्यू, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, यू का मतलब होता है न्यू, प्रो का मतलब होता है आधे पुराना, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। तो यूकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका थी जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली उपस्थित थी, उसके केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली उपस्थित थी, तो वो क्या कहलाया आपके, यूकैरियोटिक जीव। ये भी कैसे आपके, यूकैरियोटिक। ये सारे यूकैरियोटिक है, सिर्फ आपका जो मोनेरा है वही कैसा, आपका प्रोकैरियोटिक। ये सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक। पोषण कैसा होता है, मोनेरा में किस प्रकार का होता है, स्वपोषी भी हो सकते हैं और रसायन स्वपोषी, दूसरा हो सकता है रसायन पोषी। मतलब मोनेरा में ज्यादातर बैक्टीरिया या जीवाणु आते हैं जो स्वपोषी भी हो सकते हैं और रसायन पोषी भी हो सकते हैं। तो मोनेरा उन जीवों का समूह है जिनमें भोजन स्वपोषी भी पोषण से कर सकते हैं और परपोषी भी। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं आपके, स्वपोषी भी हो सकते हैं, स्वपोषी का मतलब अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। फंजाई कैसे होते हैं आपके, परपोषी। फंजाई कैसे होते हैं, परपोषी। प्लांटी कैसे होंगे आपके, स्वयं स्वयं पोषी, स्वपोषी जिसको बोलते हो आप। और ये कैसे होंगे आपके, परपोषी। ये कैसे होंगे आपके, परपोषी। तो अपन ने देखा कि जो आपका पंच जगत संकल्पना आरएच विटेकर ने दी थी उसके अनुसार स्वपोषी कौन होंगे आपके, मोनेरा व रसायन पोषी भी हो सकते। कुछ रसायनों से जैसे नील है, जो लोह जीवाणु है, जो लोहे से क्या करता है, लोहे से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसको लोह जीवाणु कहते हैं। प्रोटिस्टा कैसे हो सकते हैं, स्वपोषी भी परपोषी भी। फंजाई तो जो आपकी फंगस होती है वो तो हमेशा कैसी होती है आपकी, परपोषी होती है। पादप आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, स्वपोषी। फिर चलते हैं एनिमेलिया, वो कैसे होते हैं आपके, परपोषी। अब देखते हैं कोशिका भित्ति, मोनेरा में कोशिका भित्ति क्या होगी आपकी, सेलुलोज रहित होगी। इसमें कोशिका भित्ति होगी पर सेलुलोज रहित होगी, सेलुलोज रहित होगी मतलब सेलुलोज से मेडअप नहीं होगी। प्रोटिस्टा में किसकी होगी आपकी, कुछ में उपस्थित हो सकती है, कुछ में उपस्थित हो सकती है, कुछ में उपस्थित, कुछ में उपस्थित। इसके अलावा फंजाई में क्या होगी आपकी, फंजाई में उपस्थित होगी पर सेलुलोज रहित होगी, ये सेलुलोज रहित होगी।
इसमें क्या होती है आपकी सेलुलोज युक्त लिख सकते हो, सेलुलोज युक्त, और इसमें क्या होगी आपकी एब्सेंट होगी। तो अपन ने देखा कि जो कोशिका प्रत्योदय मोनेरा में सेलुलोज नहीं होगा, प्रोटिस्टा में कुछ में ही उपस्थित होगी, सॉरी कुछ ही जीवों में क्या होगी आपकी उपस्थित होगी, फंजाई में कैसी होगी आपकी सेलुलोज रहित, पॉलीसेकेराइड्स की होती है वो अपन बाहर डिटेल्स देखेंगे, जब फंजाई डिटेल्स देखेंगे तब देखेंगे। प्लांटी में आपको पता है सेलुलोज की होगी, और एनिमेलिया में क्या होता है, डिफरेंस ही क्या, अंतर ही क्या है पादप जगत और जंतु जगत में, कोशिका भित्ति होती है, यहाँ क्या होती है आपकी नहीं होती, यही अंतर है। अगला देखते हैं जनन की विधि, जनन की विधि क्या होगी, इनमें संयुग्मन होगा, मतलब दो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे आपके पास पास में आ जाएंगे, जैसे ये आपका ये बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया, ये पास पास में आके जुड़ गए, इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया और एक नए बैक्टीरिया का निर्माण हो गया। अब चलते हैं प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में कैसे होगा, युग्मक संलयन होगा, युग्मक का निर्माण होगा और क्या होगा वो आपस में जुड़ जाएंगे, युग्मक संलयन हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी फंजाई है उसमें निषेचन भी होता है, निषेचन भी होगा, और इन दोनों में भी क्या होगा आपका निषेचन होगा, इनमें भी क्या होगा आपका निषेचन। तो जनन किस विधि से होता है, मोनेरा में संयुग्मन विधि से, प्रोटिस्टा में युग्मकों का संलयन होगा, नर और मादा युग्मकों का संलयन होगा, निषेचन होगा, फंजाई में निषेचन होगा, प्लांटी में निषेचन होगा, और एनिमेलिया में भी क्या होगा आपका निषेचन होगा। अब है संरचना, कोशिका काय की संरचना कैसी होती है, तो ये कोशिकीय होंगे, ये एक कोशिकीय होंगे, एक कोशिकीय, ये भी कैसे होंगे एक कोशिकीय, ये होंगे आपके बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय यूनिसेलुलर, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय और बहुकोशिकीय। ये अपन ने देखी है पंचजगत संकल्पना जो दी थी आर एच विटेकर ने 1969 में दी थी, इसके अनुसार संपूर्ण जगत को पांच जगतों में बांटा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और कम से कम इस टॉपिक से दो तीन क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो ये जो आपकी टेबल देख रही है ये दो तीन नंबर की है। अब इसके अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि मोनेरा में कौन से जीव आते हैं, उनका क्या उपयोग है, उनके लाभदायक आर्थिक महत्व भी पढ़ेंगे, उनके अलग अलग क्लासे भी पढ़ेंगे, ये सब अपन डिटेल से देखेंगे। फिर मोनेरा कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे यूकैरियोटिक। पोषण की विधि, ये स्वपोषी और रसायन संश्लेषी, ये स्वपोषी और परपोषी, और ये मोस्टली परपोषी होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं और ये परपोषी होंगे। कोशिका भित्ति, ये सेलुलोज रहित है कुछ में ही, यहाँ से ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कुछ प्रोटिस्टा में ही कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, बाकी सब में क्या होगी आपकी एब्सेंट होगी। फंजाई में सेलुलोज रहित होती है, प्लांटी में सेलुलोज युक्त, और एनिमिलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित। संयुग्मन की विधि से जनन, मोनेरा में युग्मक संलयन होगा, निषेचन नहीं होगा, इन तीनों में निषेचन होगा, ये एक कोशिकीय, ये भी एक कोशिकीय, और बाकी तीनों समूह कैसे आपके बहुकोशिकीय। तो ये था आपका पंचजगत संकल्पना से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अपन देखेंगे कि किसका कौन से जगत में क्या होता है, किसकी कोशिका भित्ति किसकी होती है, ये अपन देखेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले देखेंगे अपन मोनेरा, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे मोनेरा, मोनेरे कैसे है आपके प्रोकैरियोटिक जीव है, मोनेरा कैसे है आपके प्रोकैरियोटिक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन मोनेरा, मोनेरा में किसको रखा गया है आपके संपूर्ण बैक्टीरिया, जितने भी आपके बैक्टीरिया है वो सब किसमें आपके मोनेरा के अंदर रखे गए। तो अपन देखते हैं मोनेरा, तो यहाँ पहला क्वेश्चन ये संपूर्ण बैक्टीरिया को, संपूर्ण बैक्टीरिया या जीवाणु, जीवाणुओं को मोनेरा, संपूर्ण जीवाणुओं को किसमें रखा गया आपके मोनेरा में। मोनेरा कैसे होंगे प्रोकैरियोटिक होंगे, मतलब इनका केंद्रक विकसित प्रकार का नहीं होगा। अपन यहाँ जीवाणु कोशिका का भी अध्ययन करेंगे, जीवाणु कोशिका का भी अध्ययन करेंगे, एक बार इसका आउट आउट देख लेंगे, और जब अपन देखेंगे सेल बायोलॉजी या जो आपकी कोशिका विज्ञान वाला टॉपिक देखेंगे वहां भी अपन मोनेरा का अच्छे से स्टडी करेंगे। अगर अपन यहाँ देख लेंगे तो वहां इसको इजीली आपको समझ में आएगा। तो जितने भी आपके जीवाणु है
देखो सराउंडिंग में अर्थ पे ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ की, तक कि आपके अंतरिक्ष में भी जीवाणु उपस्थित होते हैं। इसकी वजह से आपके खाद्य पदार्थ है, किसी की बॉडी है या कोई भी सब्सटेंस है, वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, आपके सड़ जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से रिएक्शन करके अपना फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उस खाद्य पदार्थ को, जीवों को क्या कर देते हैं, आपके नष्ट करते हैं। तो संपूर्ण जो आपका ब्रह्मांड है वो जीवाणु रहित है, नहीं है। आपके हाथ आपने हैंड वॉश कर लिए फिर भी आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट है, आपकी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया है, बॉडी के बाहर भी बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया रहित तो कुछ हो ही नहीं सकता। निर्वात में भी क्या होते हैं, आपके बैक्टीरिया नहीं होते। निर्वात या वैक्यूम में क्या होता है, आपके बैक्टीरिया नहीं होते। इसके अलावा कुछ है मोनेरा के ऐसे बैक्टीरिया जैसे थर्मो एसोफिल्स, 150 डिग्री सेंटीग्रेड या 150 डिग्री टेम्परेचर, वहां भी ये पाए जाते हैं। तो ये ऐसे जीव है जो हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो अपन देखते हैं मोनेरा, तो मोनेरा में कौन कौन से बैक्टीरिया आएंगे, मोनेरा क्या क्या होते हैं वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों, देखो ये उसका एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों बैक्टीरिया। मुट्ठी भर जो मिट्टी होगी उसमें कितने बैक्टीरिया होंगे, सैकड़ों होंगे। इसके अलावा इनका आवास देखते हैं, तो अपन हेडिंग बना लेते हैं बैक्टीरिया का आवास कहाँ कहाँ होंगे, गर्म जल के झरने, बर्फ में, गहरे समुद्र में, प्रतिकूल आवासों में, दूसरे जीवों में। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, बैक्टीरिया वो जीव है जो गर्म झरने, जहां पानी बॉयल होता रहता है वहां भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे, थर्मो एसिडोफिल्स, बर्फ में बैक्टीरिया मिल जाएंगे, गहरे समुद्र में बैक्टीरिया मिल जाएंगे, प्रतिकूल आवास मतलब रूमेनेट्स जीव जो जुगाली करते हैं उनके रूमन में भी क्या मिल जाएंगे आपको बैक्टीरिया, दूसरे जीवों में भी, जैसे अपन है अपने आंत में पाया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया, इश्चिरियाई कोलाई जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ई कोलाई। ये करता क्या है, आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में मदद करता है, ये यूजफुल बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस जो दूध से क्या बना देता है, आपका दही बना देता है, कर्ड बना देता है, तो ये कैसे आपके यूजफुल। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपके बैक्टीरिया उपस्थित नहीं है। थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो यानी हीट, ऊष्मा, तो वहां जो बैक्टीरिया उपस्थित होंगे उनको क्या बोलेंगे, थर्मो एसिडोफिल्स। मैथेनोकोकस जो कहाँ होंगे, आपके गोबर में पाए जाएंगे, काऊ डंग में पाए जाएंगे, गहरे समुद्र में, प्रतिकूल आवासों में जहां बर्फ जमी है कई सालों तक, वहां की बर्फ मेल्ट नहीं हुई है, पिघली नहीं है, वहां भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो बैक्टीरिया का आवास क्या होता, हर जगह आपके बैक्टीरिया पॉसिबल। अब जो आपके जब स्पेस यात्री जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, जहां निर्वात होगा वहां बैक्टीरिया नहीं होंगे। अगर जो आपके अंतरिक्ष यात्री है अगर वो किसी खाद्य पदार्थ को अंतरिक्ष से बाहर डाल दे, तो वो ना तो नीचे जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना सड़ेगा, ना गलेगा। क्यों? क्योंकि वहां निर्वात है और निर्वात में बैक्टीरिया नहीं होते। वैक्यूम कंडीशन में क्या होंगे, आपके बैक्टीरिया नहीं होंगे। तो ये एक अपवाद है, वहां बैक्टीरिया पॉसिबल नहीं है। तो बैक्टीरिया फ्री वातावरण की तो अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। अब जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है, उनको आकार के आधार पर, उनकी आकृति के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए। और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोकस क्या है, बेसिलस क्या है, कोकाई क्या है, सिग्माकार क्या है। जैसे आपके हेजाए,
हैजे का बैक्टीरिया कैसा होता है? कोमा शेप का होता है, विब्रियो कोलेरी। तो पूछा जाता है जो हैजे का बैक्टीरिया होता है वो किस आकार का होता है? कोमा शेप का होता है, उसका नाम है विब्रियो कोलेरी। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं यहाँ से। तो अपन देखते हैं इनकी डिटेल से, बैक्टीरिया के आकार के आधार पर, ये उनका आवास था। बैक्टीरिया को आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांट रखा है। तो बैक्टीरिया के आकार के आधार पर चार है, कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया को आकार के आधार पर चार में बांट रखा है। कौन कौन से चार होंगे? चार भागों में बांटा गया, वो अपन भागों को देखेंगे। पहला देखो आप, पहला है, सबसे पहले है कोकस। कोकस का मतलब कैसा होगा? गोलाकार। तो गोलाकार कोई नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कोकस क्या है, कोकाई क्या है, कोकस क्या है या कोकाई क्या है। तो जब बैक्टीरिया कैसे हो आपके? गोलाकार हो, तो वो क्या कहलाएंगे आपके? कोकस। अब मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, ट्रिप्लोकोकस, ये भी ध्यान। मोनो यानी जब गोलाकार, एक गोलाकार बैक्टीरिया होगा उसको मोनोकोकस, दो गोलाकार बैक्टीरिया पास पास में होंगे डिप्लोकोकस, तीन होंगे तो ट्रिप्लोकोकस, और ज्यादा होंगे तो पॉलीकोकस, सॉरी ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो कोकस के एग्जाम्पल देखने हैं अपन को। अब अगर बैक्टीरिया गोलाकार है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? कोकस, कोकाई, कोकाई भी वर्ड यूज करते हैं, कोकाई। अब अगर बैक्टीरिया छड़के आकार का है आपके, छड़ाकार है, उसको बोला जाता है बेसिलाई। अगर छड़के आकार का है ऐसे बैक्टीरिया तो उसको क्या बोलेंगे? बेसिलाई। छड़के आकार के बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे आपके? यहां लिख देती हूं मैं, बेसिलाई का मतलब छड़ाकार, छड़ाकार। छड़के आकार का अगर बैक्टीरिया है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? बेसिलाई। ये क्या हो जाएंगे? मोनोबेसिलाई, डिप्लोबेसिलाई, वही दो तीन वाला सिस्टम वही चला जाएगा। एक के लिए क्या बोलेंगे? मोनो, दो के लिए डिप्लो। तो यहां क्या हो जाएंगे? मोनोबेसिलाई, डिप्लोबेसिलाई, ट्रिप्लोबेसिलाई, पर छड़ाकार के लिए बेसिलाई का यूज करोगे आप। तो ये वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। अगला प्रकार है आपका कोमा के आकार। कोमा के आकार का, कोमा मतलब ऐसा हो, उसके लिए बोलते विब्रियो। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वेरी वेरी, विब्रियो। अगर कोमा के आकार का बैक्टीरिया होगा कोमा के, उसको बोलते हैं विब्रियो। मोन, इसके लिए को ये डिप्लो ट्रिप्लो नहीं आएगा, कोकाई, सॉरी विब्रियो। अब ये जो हेजा होता है, हेजे का जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है आपके? कोमाकार होता है, कोमाकार होता है। हेजा का बैक्टीरिया कैसा होता है? कोमाकार, और इसका नाम होता है विब्रियो कोलेरी। कोलेरा यानी हेजा, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी यानी, कोलेरी यानी कोमा के आकार का, और सॉरी कोलेरी यानी हेजा, और विब्रियो का मतलब कोमा के आकार का। तो विब्रियो कोलेरी किसका बैक्टीरिया आपके? हेजा, जिससे हेजा होता है वो होता है आपका विब्रियो कोलेरी, और ये कोमा के आकार। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्टली आपके एग्जाम में आता ही आता है। अगला प्रकार देखते हैं अपन, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार अगला क्या है आपका? सर्पिलाकार, इसको बोलते हैं स्पाइरिला। इसको क्या बोलेंगे? स्पाइरिला। अब ये जो सर्पिलाकार होगा इस पे क्या होगा? इसकी आन जो लास्ट वाला छोर है उस पे क्या पाए जाएंगे आपके?
स्पर्शांग पाए जाएंगे, इसके लाश वाले छोर पे क्या पाए जाएंगे, आपके स्पर्शांग पाए जाएंगे, टेंटिकल्स पाए जाएंगे। तो ये अपन ने देखा कि जो बैक्टीरिया होते हैं आकार के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, कोकस यानी गोलाकार, बेसिलाई यानी छड़ाकार, कोमाकार को बोलते हैं विब्रियो, जो हैजे वाला एग्जाम्पल है सर्पिलाकार, स्पाइरिला का जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है आपके सर्पिलाकार। तो ये थे आपके वर्गीकरण किसके आधार पे था, आपके आकार के आधार पर। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से एक नया क्वेश्चन पक्का आता है, एक क्वेश्चन तो इसमें से पक्का है, चाहे आपका हर साल एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है। तो आप लोग जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया उसको ढंग से देखोगे, एनसीईआरटी आपके पास अवेलेबल है तो अच्छी बात है, वरना आप एनसीईआरटी की साइट से एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी मीडियम की मिलती है तो ठीक है, हिंदी मीडियम की शायद ही मिलेगी आप लोगों को। तो मैं आपको करवा रही हूँ, मैं एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट करवा रही हूँ, इसके अलावा मैं बिहाइंड एनसीईआरटी, जैसे ये विब्रियो कोलेरियस में एग्जाम्पल नहीं दे रखा था बट ये आता है, तो मैंने आपको बता दिया कि हैजे का जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है आपका विब्रियो कोलेरी होता है। और ये तो मैं कंटिन्यूस में जो जो आपको मुझे लगेगा कि ये ऐड जरूरी है तो मैं ऐड करती रहूंगी। आपकी ड्यूटी बनती है कि इनको आप रिवाइज कीजिए, देखिए और सेल्फ नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, शेप रहिए, चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।